गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो पिछली बार हमने नाना के घर मजे मजे ये लेसन हमने सीखा है ना, और आपने ये मैंने क्या कहा था आपको, ये लेसन मम्मी को क्या करो, पढ़कर दिखाओ है ना। उसके बाद अभी हमें इसके क्वेश्चन, लेकिन हम क्या करेंगे, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाई हमें करनी है। तो देखो अभी इसका हमें क्या करना है, ग्रामर करना है ना। तो आप टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 30, ये पेज नंबर ओपन करो है ना। और देखो पहले है उलट अर्थ वाले शब्द है ना, क्वेश्चन नंबर 1, उलट अर्थ वाले शब्द। मित्र, देखो यहाँ हेल्प बॉक्स भी दिया है, आप देखो टेक्स्ट बुक में हेल्प बॉक्स दिया है। मित्र शत्रु, मित्र शत्रु, वहां लिखो शत्रु, मित्र के सामने क्या लिखना है, शत्रु। उसके बाद प्रसन्न, प्रसन्न का विरुद्ध अर्थ शब्द अप्रसन्न, प्रसन्न का विरुद्ध अर्थ शब्द अप्रसन्न। उसके बाद गांव शहर, गांव का विरुद्ध अर्थ शब्द शहर। मंद तीव्र, मंद का विरुद्ध अर्थ शब्द तीव्र, मंद तीव्र। देखो पहला विरुद्ध अर्थ शब्द मित्र शत्रु, प्रसन्न अप्रसन्न, गांव शहर, मंद तीव्र। लिखकर हो गया सबका। उसके नीचे देखो दूसरा प्रश्न, वर्ण विच्छेद करो। ये पहले भी हम सीखे हैं है ना, पहले भी हमने वर्ण विच्छेद किया है, अभी फिर से हमें क्या करना है, वर्ण विच्छेद करो। पेज नंबर 30, वर्ण विच्छेद। देखो पहला शब्द उन्होंने दिया है अनुमति, अ ये क्या है, स्वर है, उसको उसको देखो वो अकेला ही है, उसको कोई फ्रेंड नहीं है, वो अकेला ही है। अ फिर अ न को क्या है, न को फ्रेंड है, आधा न प्लस अ। देखो हम जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसमें न में भी अ होता है, अ नु, अभी अनुमति में नु में क्या है, देखो न का न आधा न प्लस क्या है, उ, क्या है, नु उ, तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, नु, अनुमति, अनुमति है ना। वैसे देखो पहला शब्द उन्होंने आपको लिख कर दिया है। उसके बाद दूसरा शब्द क्या है, काव्या, दूसरा शब्द क्या है, काव्या। तो कैसे आएगा ये, देखो क, क में क्या है, आधे क के सामने हम क्या लिखेंगे, आधा क, उसको क्या है, आ की आ स्वर लगा है, का, क्या स्वर लगा है, का, फिर क्या आएगा, आ का प्लस आधा व, क्या हो गया, आधा व। देखो यहाँ आधा व है और पूरा क्या होगा, य, पूरा य, और उसको क्या लगा है, आ काव्या। देखो कैसे शब्द तैयार हुआ, क अधिक आ का, आधा व प्लस आधा य अधिक पूरा आ काव्या। आधे अ में, आधे य में क्या आता है, आ का स्वर आता है। देखो आधे य में कौन सा स्वर आया है, आ, फिर उसका उच्चारण कैसे हुआ, हो गया या, काव्या, ऐसे उच्चारण आएगा उसका। हाँ उसके बाद पहला शब्द काव्या का विच्छेद लिख कर लो। उसके बाद अपने, अ अपने, उसके बाद अपने, देखो अ ये क्या है, स्वर है, इसलिए उसकी फोड़ नहीं होगी, अ ये स्वर है, उसकी फोड़ नहीं होगी, वो अकेला ही है अ। अभी ये प में क्या आएगा, प में आए ना स्वर, प, क्या बोलते हैं हम, प, तो प के अंदर क्या होता है, पूरा अ, अ का स्वर जुड़ा हुआ है उसको, प अधिक प। अभी देखो न को क्या जुड़ा हुआ है, आधा न को क्या जुड़ा हुआ है, हमने क्या बोला, अपने, क्या बोले हम, अपने, क्या आ गया, ए आ गया, क्या आ गया, ए, अपने।
लिख लिया अपने, ए आ गया ना उसमें, नौ आधे नौ में ए आ गया अपने। उसके बाद रास्ते, रास्ते अभी देखो र को क्या लगा, र पहले र कैसे आएगा, आधा र आएगा, पहले क्या होगा आधा र, र का पाँव मोड़ना है, आधा र प्लस र में क्या छुपा हुआ है, आधा र रा, रा उसके बाद आधा स, उसके बाद त को जा क्या जुड़ा हुआ है, आधे त को क्या जुड़ा हुआ है ए, रास्ते रास्ते। देखो स कैसे लिखा है, स आधा स, देखो आधा स है, चेक करने का है हमें, खुद को भी चेक करना है, आधा स उसके बाद आधा त और उसको एक की मात्रा ए, रास्ते। उसके बाद नाना जी, उसके बाद नाना जी, तो नाना जी शब्द तैयार कैसे होगा, न को आधा न, उसको क्या लगा है आका स्वर लगा है, ना देखो बोल कर देखना है ना, फिर कौन सा आएगा आ, नाना नाना, न अधिक आधा न अधिक आ, और आधा ज को क्या लगेगा, आधा ज जी दूसरी की मात्रा है ना, ना देखो बोलना है ना ना जी, ना ना जी है ना, वैसे हमें देखो करके दिखना है हमारा गलत है कि सही है, हमें करके देखना है, प्रोनाउंसिएशन करके उसका देखना है, ना ना जी हो गए पूरे। देखो काव्या अपने रास्ते और नाना जी, अभी देखो पाठ में से, पाठ में से जो शब्द है उसको देखो, मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, वो आप घर में कंप्लीट करो। नाश्ता, ये होमवर्क है आपको, लिख कर लो, नाश्ता लोकगीत, नाश्ता लोकगीत, अनुमति, जलपान, नाश्ता लोकगीत अनुमति जलपान, ये आपको होमवर्क के लिए है, या आप नोटबुक में लिखो, ऊपर लिखना है नोटबुक में क्या करना है, नए पेज पर नाना के घर मजे मजे, एक पेज पर आपके शब्दार्थ हो गए, एक पेज पर आपके कठिन शब्द हो गए, और तीसरे पेज पर है ना, पेज के नीचे वही नहीं लिखना है ना, नया पेज ओपन करना है और उस पर लिखना है नाना के घर मजे मजे, व्याकरण लिखना है, वर्ण विच्छेद, फिर ये सब शब्द लिख कर लो नोटबुक में, और उसके बाद होमवर्क के लिए नाश्ता लोकगीत अनुमति जलपान और गुलगुले, ये आपको खुद को करना है। उसके बाद ये शब्द लिख कर लो, नाश्ता लोकगीत अनुमति जलपान और गुलगुले, ये आपको होमवर्क के लिए है। थैंक यू स्टूडेंट्स।